dealt with the origin of morality. कि मोरालिटी का ओरिजिन किस तरह से हुआ है. दो व्यू पॉइंट है, एक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा डिवाइन कमांड थ्योरी है, सेकेंडली हमने पढ़ा नेचुरल लॉ थ्योरी. तो दो तरह का थ्योरी है हमारे पास कि मॉरल्स बेसिकली ओरिजिनेट कहां से होते हैं, कहां से पैदा हुए हैं मॉरल्स. बट इस क्लास में वी विल बी अंडरस्टैंडिंग टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी अंडरस्टैंडिंग एजेंट एक्शन थ्योरी. सेकेंडली वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स that is ethics, morality, ethics और morality का आपस में क्या difference है, and values क्या चीज होती हैं, and then we'll be also understanding laws क्या चीज है, इन सब का आपस में क्या difference है वो सब समझेंगे. तो first of all let us understand agent action theory. Now what is this agent action theory? जनरली हमें कंफ्यूजन रहता है लाइफ में, वी आर इन डायलमा कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से जिए, हम किस तरह का एक्शन लें, बिकॉज हर दिन हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन में दो चीजें होती हैं. एवरी डिसीजन हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, देयर इज अ मेन कंपोनेंट एंड देयर इज एन एंड कंपोनेंट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेन कंपोनेंट एंड एंड कंपोनेंट. कोई भी हम डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन अपने आप में एक रास्ता होता है किसी एंड पे पहुंचने के लिए. तो दो चीजें हैं, जो आप रास्ता चूज कर रहे हो वो आपका रास्ता सही है या गलत है. मींस द मीन दैट यू आर चूजिंग, द वे दैट यू आर चूजिंग, वेदर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग, ये है. एंड सेकेंडली जो आप एंड चूज कर रहे हो ये राइट है कि ये रॉन्ग है. सो देयर कैन बी टू वेज कि जो भी आपने रास्ता चूज किया आपने गलत रास्ता चूज कर लिया सही एंड तक पहुंचने के लिए. एग्जांपल क्या है, कोई भूखा आदमी है, समवन इज डाइंग आउट ऑफ हंगर एंड ही इमीडिएटली नीड्स अ फूड आइटम इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बट यू डोंट हैव मनी एंड द गाय हु इज स्टार्विंग ही इज आल्सो नॉट हैविंग द मनी. द ओनली ऑप्शन अवेलेबल विद यू इज टू स्टील द फूड एंड टू फीड दैट पर्सन. नाउ इन दैट केस यू विल बी फीडिंग दैट पर्सन and that will be categorized as what? That will be categorized as the right thing. End will be right because you're feeding that person who was about to die out of hunger. But you're using a wrong mean. You are stealing it. क्या इस तरह करना चाहिए कि इस तरह नहीं करना चाहिए? तो इस तरह का दिमाग में बहुत सारा डिबेट रहता है, एथिकल डायलेमा कंफ्यूजन रहता है. अभी कोई इसी तरह से आप चोरी करके किसी का मदद कर रहे हो, पेपर में किसी को चीटिंग करवा रहे हो और उसको पास होने में मदद कर रहे हो. पास होन करवाना, किसी की हेल्प करना, दिस इज गुड, बट उसको चीटिंग करा के हेल्प करना, क्या ये सही है कि क्या ये गलत है? तो किस तरह से आदमी को एक्ट किस तरह से करना चाहिए, आदमी को डिसीजन किस तरह से लेने चाहिए, व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, किस तरह से आदमी बिहेव करे. तो ये बहुत प्रॉब्लम रहती है दिमाग में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. और इन सब चीजों को डील किया गया है, बहुत सारी थ्योरीज ने इन चीजों को डील किया है. वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं हमारे पास, उन्होंने भी इन चीजों के बारे में बताया कि जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए. और हमारे पास ईस्टर्न इंडियन फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने भी बताया है लाइफ के बारे में, हाउ द लाइफ शुड एक्चुअली बी लिव्ड. स्वामी विवेकानंदा है हमारे पास, देन वी हैव महात्मा गांधी, वी हैव दयानंद सरस्वती, वी हैव राजा राम मोहन राय, वी हैव रिलीजियस फिलोसोफर्स लाइक महावीरा एंड वी हैड बुद्धा, वी हैड गुरु नानक. So they have thrown light on what we should actually be doing, how the life should actually be lived. And about the same thing, because ye life ki philosophy hai, philosophy ka kya matlab hai? Philosophy basically is a study of how the life should be lived. Zindagi mein karna kya chahiye? This has been the focus area of the Western philosophers as well as also of the Eastern philosophers. Abhi Western philosophers ka agar hum baat karte hain, West mein बिगिनिंग से ही इस चीज का डिबेट रहा है कि करना क्या, हाउ अ लाइफ शुड बी लिव्ड, हाउ अ पर्सन कैन लिव अ एथिकल लाइफ. नो व्हाट इज एथिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नो एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मोरालिटी, इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. एथिक्स इस चीज का स्टडी है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है. नो व्हाट इज मोरालिटी, मोरालिटी इज चूजिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो ये स्टडी करते हैं एथिक्स में, हम मॉरल कंपोनेंट को स्टडी करते हैं.
एथिक्स को अगर जनरल टर्म एक्सप्लेन किया जाए तो एथिक्स एक स्टडी है मोरालिटी का, बट अगर स्पेसिफिक टर्म में अगर इसको समझना है कि एथिक्स होता क्या है और मॉरल्स क्या है, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, एथिक्स आर द एक्शंस, एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स इज अ कोड ऑफ एथिक्स दैट वन शुड बी अडॉप्टिंग इन वन्स प्रोफेशनल लाइफ. नाउ डॉक्टर विल हैव अ डिफरेंट एथिक्स, engineer will have different ethics, and a civil servant will have different ethics. So every profession will have different ethics associated with it. Advocate will have a different ethics. Like if generally we consider it is wrong to lie, it is wrong to protect the people who have done wrong, but for a lawyer it becomes part of his ethics. It is the ethics of the lawyer that basically helps, that basically helps the lawyer to perform his or her job. So when it comes to judging a lawyer, we can judge it from lawyer ethics. A lawyer should not be judged from the perspective of morality, kyunki jo ethics hai, ethics professions ke sath jude rehte hain. Ethics ka individual ke sath kuch lena dena nahi hai. Ethics has got nothing to do with an individual. Ethics is joined, it's related to one's professional field. Now, but when it comes to morality, now this is very, very important. Now, morality is an individual phenomena. Morality is for oneself. It is for the one to decide about what is right and what is wrong. It is not attached with the profession. So if we compare ethics and morality, out of both these things, the scope of morality in our life is more. Because an advocate, after performing his job, he has to act as per his morals. What according to him is right and what according to him is wrong. क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, हर टाइम उसका उसको एथिक्स नहीं बताएगा. अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सोसाइटी में इंटरेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी इंटरेक्ट कर रहा है, he will be basically guided by the morals. He will not be guided by the ethics. There. Ethics professional है. Morals क्या है? Morals general है, individual phenomena है. अभी इन सब टर्मिनोलॉजी के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर लेंगे, इसको इन डेप्थ समझेंगे, बट इसको भी हम सरफेशियल लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस एजेंट एक्शन थ्योरी, जो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. नाउ वैल्यूज, इट हैज गॉट टू डू विद एन इंडिविजुअल, एंड वैल्यूज आर एक्वायर्ड फ्रॉम फैमिली, वैल्यूज आर एक्वायर्ड फ्रॉम सोसाइटी, वैल्यूज आर एक्वायर्ड फ्रॉम स्कूल. सो वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव एंड दे कैन बी नेगेटिव, बट वेयर इज मॉरल morality is concerned, it is always looking for the right. Now values can be negative also, they can be positive also. But if we want to create a good society, a society in which there is compassion, love, care, empathy and welfare, the morality should be influencing the values of any being. But generally, it is a slow process. Abhi kuch aisi communities bhi hain, jaise Sansi community hai India mein, to chori karna unke liye positive value hai. Wo usko negatively nahi dekhte. अबॉर्शन किसी के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू सिस्टम है, मार देना किसी को, किसी को किल कर देना, आइसिस के लिए किल करना इज अ पॉजिटिव वैल्यू, फॉर महात्मा गांधी इट वाज अ नेगेटिव वैल्यू. सो इस तरह से काफी डिफरेंस रहता है. तो एथिक्स, इट हैज गॉट टू डू विद प्रोफेशन, मोरालिटी हैज टू डू विद इंडिविजुअल, वैल्यूज हैज टू डू विद हाउ वन हैज बीन अकल्चर्ड, हाउ वन हैज इनग्रेन्ड द सोसाइटल वैल्यूज, एंड लास्टली व्हाट वी हैव इज लॉज. लॉज क्या चीज है? सोसाइटल लॉज है हमारे पास. तो लॉज भी हमें कहते हैं कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है, स्टील नहीं करना है, बर्गलरी नहीं करना है, थेफ्ट नहीं करना है, तो ये सब चीजें मना करता है लॉ. तो लॉ भी बेसिकली हेल्प करता है हमें सोसाइटी में सही ढंग से रहने के लिए. पॉजिटिव वैल्यूज भी हमें हेल्प करती है. मोरालिटी तो हमें बताती है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है. एथिक्स प्रोफेशन के साथ जुड़े रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. So these are the four things that you must understand in order to have a basic understanding of this GS paper 4. Ethics, morality, values and laws. इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इन चीजों को अगली क्लास में, next class में. Now this theory, it has been given by the Western philosophers, that is agent action theory. Now this is very important. Agent action theory. अभी हम Western philosophers शुरू कर रहे हैं सबसे पहले आपका syllabus का. Western philosophers के ऊपर एक दो classes होंगी आपकी. उसके बाद में देन वी विल बी स्टार्टिंग विद इंडियन फिलोसफर्स, फिर बाकी सारा सिलेबस हम कंप्लीट करते जाएंगे. तो एजेंट एक्शन थ्योरी में क्या है? देखिए, जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं उन्होंने भी इसी चीज के ऊपर थ्योराइज किया है कि लाइफ को किस तरह जीना चाहिए.
तीन इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं हमारे पास एंशियंट पीरियड के. कौन से पीरियड के? देखिए वेस्टर्न फिलोसफी को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हम एंशियंट फेज में, एक मेडिवियल फेज में और एक मॉडर्न फेज में. जो वेस्टर्न फिलोसफी में एंशियंट फेज था इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था ग्रीक फिलोसफर्स का. तो मैक्सिमम फिलोसफी जो हमारे पास है वेस्टर्न फिलोसफी, इट इज बेसिकली द वेस्टर्न फिलोसफी. सब वेस्टर्न फिलोसफी है, मतलब कि वेस्ट का अगर हम एंशियंट में देखें तो. बट व्हेन इट कम्स टू मेडिवल, मेडिवल में चर्च का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया, फिलोसफर्स बहुत कम रहे, जो भी कुछ चर्च कहता रहा लोग वो करते रहे. तीसरा हमारे पास आज की डेट में मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, 17th-18th सेंचुरी से शुरू हुए. इस टाइम पे स्टेट का जन्म हो गया था, स्टेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मॉडर्न फिलोसफर्स का, तो स्टेट का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, स्टेट को लेके चलते हैं ये वाले फिलोसफर्स. इस क्लास में हम ज्यादातर एंशियंट फिलोसफर्स की बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे सोक्रेट्स का. सोक्रेट्स है, प्लेटो है एंड अरिस्टोटल है. तीन फिलोसफर्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड अरिस्टोटल. अभी जो सोक्रेट्स है हमारे पास, ये टीचर थे प्लेटो के. बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं मिला है हमें, प्लेटो की राइटिंग से ही हमें पता चलता है कि उनके टीचर क्या कहते थे. अभी सोक्रेट्स का एथिक्स को लेके क्या कहना है? सोक्रेट्स कहते आदमी कुछ भी गलत करता है, कुछ भी सही करता है, उसमें आदमी की गलती नहीं है अगर उसको उस चीज का नॉलेज नहीं है. बेसिकली सोक्रेट्स क्या कहना चाहते हैं, कहते जो भी आदमी कुछ गलत करेगा, लाइक आप एनवायरमेंट गंदा कर रहे हैं तो उसमें आपका गलती नहीं है, आप किसी को मार रहे हैं आपका गलती नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं आपका गलती नहीं है. सोक्रेट्स कहते किसी का गलती नहीं होता. बेसिकली गलती किस चीज का है? इग्नोरेंस का. सोक्रेट्स हैज टू डू विद इग्नोरेंस. अगर आदमी इग्नोरेंट है, अगर आदमी के पास नॉलेज नहीं है, he will be doing wrong things in life, he'll be taking wrong decisions in life. So according to Socrates, it is very important that one must have the right information and the right knowledge, because without knowledge, without right information, whatever action one will be indulging in, that action will actually be wrong. Wo action aapka galat rahega, wo action aapka sahi nahi rahega. Sahi action ke liye aapko aware hona zaruri hai, aur awareness ke liye you need to have an inquisitive mind. आपको बार बार चीजों को क्वेश्चन करना है, तभी आपको चीजों का रियलिटी के बारे में पता चलेगा, नहीं तो आपको लाइफ की रियलिटी के बारे में नहीं पता चलेगा. तो सोक्रेट फोकस करते हैं इंक्वायरी के ऊपर, नॉलेज के ऊपर और इंफॉर्मेशन के ऊपर. तो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करते हैं. वो कहते हैं जब आदमी को नॉलेज हो जाएगा, वो जो भी कुछ करेगा वो ठीक करेगा. सोक्रेट, इग्नोरेंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन. सो दिस वॉज वॉट सोक्रेट हैड सेड. कहते अगर एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं सोक्रेट्स यहाँ पे? सोक्रेट्स ये कहना चाहते हैं, कहते अगर आदमी के पास नॉलेज है तो उसका रैशनल थिंकिंग से वो सब कुछ सही करेगा, वो सोचेगा सही और सही करेगा. इसका क्रिटिसिज्म बाद में करेंगे हम जब सबसीक्वेंट वेस्टर्न फिलोसफर. अभी सिर्फ सोक्रेट्स इतना समझना है. सोक्रेट्स कहते हैं आदमी गलत तभी करता है जब उसको नॉलेज नहीं रहती. अभी सेकेंड थिंकर दैट वी हैव इज प्लेटो. प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो ने बहुत इंपॉर्टेंट फोकस दिया है वर्चूज के ऊपर, और प्लेटो कहते हैं कि जो आता हमारी आत्मा है, जो हमारी स्पिरिट है बेसिकली, कहते हैं उसके तीन हिस्से होते हैं, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अ स्पिरिट. सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, दैट इज द रैशनल पार्ट. सबसे पहला हमारा पार्ट है रैशनल पार्ट है हमारा. दूसरा हमारा है स्पिरिटेड पार्ट. तीसरा हमारा है एपिटाइट. कि हम क्या एपिटाइट का क्या मतलब है? द फोकस इज ऑन मटेरियल. कहते हैं एक हमारी आत्मा का हिस्सा मटेरियल चीजों को लेके बहुत फोकस करता है, इंक्लाइंड है हमारा अंदर आत्मा कि ये कर लीजिए. स्पिरिटेड का क्या मतलब है? स्पिरिटेड का मतलब है एक हमारी आत्मा का हिस्सा कहता है कि आपने सेल्फ एस्टीम मेंटेन रखना है, आपने अपना इज्जत बरकरार करके रखना है. रैशनल हिस्सा है आप चीजों को सोच के करते हो. तो तीन चीजें हैं हमारी जो स्पिरिट है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, रैशनल, स्पिरिटेड एंड एपिटाइट पार्ट. और तीनों जब बैलेंस में रहते हैं तो, और एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, तो आदमी जो भी कुछ करता है उसमें जस्टिस रिफ्लेक्ट होता है. देखिए वेस्टर्न फिलोसफर्स का बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है जस्टिस के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर, करेज के ऊपर, विजडम के ऊपर, परसीवेरेंस के ऊपर. ये सब चीजों में डील करता है वेस्टर्न फिलोसफी. वेस्टर्न फिलोसफी इज प्रैक्टिकली साइलेंट ऑन मैन्स रिलेशनशिप विद गॉड.
But Western philosophy is not silent on man's relationship with man. Man's fulfilling his desires. They're not silent on these things. They've actually thrived on all these things. आदमी अपनी desires को किस तरह fulfill करता है? आदमी किस तरह act करता है? आदमी अपने आप को खुश किस तरह करता है? आदमी justice किस तरह अपने आप को देता है? ये बहुत important focus रहता है. Plato कहते हैं एक आदमी का है. तो देखिए ये अगर धरती है, धरती के ऊपर एक आदमी है ये. ये आदमी दूसरे आदमियों से किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है धरती के ऊपर और अपनी लाइफ को किस तरह बसर कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. ये आदमी अपने भीतर क्या चल रहा है, कंटेंटमेंट, मेडिटेशन, उन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है वेस्टर्न फिलॉसफी. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ एन इंडिविजुअल स्पिरिट शुड ज्वाइन विद द स्पिरिट ऑफ द ऑलमाइटी. जो ऑलमाइटी है, जो क्रिएटर है, जिन्होंने पूरा धरती क्रिएट किया हुआ है, उनकी आत्मा के साथ किस तरह इनका रिलेशन डेवलप होगा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. So they are practically interested in the practical aspects of life, material aspects of life, in happiness, in justice, in courage and in wisdom. In cheezon mein interested hai Western philosophers. So Plato has talked about spirit and its parts and how to come out with justice. Socrates, it has to do with inquiry, knowledge and information. Abhi humare paas teesre jo bahut important philosopher hai, Greek philosopher, that is Aristotle. Ye sabse important hai. Aristotle kehte ki sabse important जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो है यूडेमोनिया. वो क्या है? यूडेमोनिया. ये टर्म इन्होंने डिफाइन किया. आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरा आपको क्लास वाइज नोट्स मिल रहे हैं इन चीजों के. टोटल मिला के अबाउट 150 पेजेस का पूरा एथिक्स का हमने शीट्स बना रखा है. बुक भी आई हुई है मेरी एथिक्स के ऊपर, मार्केट में भी अवेलेबल है. बट जो लोग क्लासेस को बाय किया उनको तो ऑलरेडी मिला है साथ में, तो प्लीज उसको रेफर कीजिए. और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है. जी सुब्बाराव बहुत ही बेकार बुक है, डोंट रीड इट. एंड जो लेक्सिकॉन है उसमें बहुत ही ज्यादा कम दे रखा है. एंड और दो तीन मार्केट में बुक्स है, हरिहंत पब्लिकेशन है, एक्सेस पब्लिकेशन, डोंट रीड ऑल दोस बुक्स. एथिक्स के ऊपर अच्छा बुक कोई भी लिखा नहीं गया है. यू कैन रीड माय बुक, उसमें काफी चीजें सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो अरिस्टोटल कहते हैं कि यूडेमोनिया गोल है हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस लेने का. देखिए मैंने आपको बताया वेस्टर्न फिलॉसफी किस पे फोकस करती है, हैप्पीनेस के ऊपर, मटीरियल के ऊपर फोकस करती है, स्पिरिट के ऊपर, गॉड के ऊपर, यूनिवर्सल सोल के ऊपर, मैन सोल के ऊपर इनका कुछ भी लेना देना नहीं. अरिस्टोटल ने कंसेप्ट दिया है गोल्डन मीन का, कहते और इन्होंने कंसेप्ट दिया है वर्चू एथिक्स का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्चू एथिक्स, गोल्डन मीन, यूडेमोनिया एंड समम बोनम का कंसेप्ट है. समम बोनम, इसके ऊपर अलग क्लास करूंगा मैं, छोटा क्लास रहेगा 5-7 मिनट का, बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी. टोटल मिला के 20 के करीब क्लासेस रहेंगी एथिक्स का, पूरा कोर्स अच्छी तरह से हो जाएगा. अभी अरिस्टोटल क्या कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं कि जो गोल्डन मीन होना चाहिए लाइफ में, लाइफ में बहुत सारी वर्चूज हैं जो एक्सट्रीम फॉर्म में रहती हैं, ग्रीड जिस तरह से है या रैशनेस जिस तरह से है. और एक तो रैशनेस है मतलब कि बिल्कुल किसी को जाके मार देना, और दूसरा आपके पास है फियर. फियर और रैशनल रैशनेस का अगर हम देखें जो मीन है दैट इज करेज, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो अरिस्टोटल कहते क्या है, कहते गोल्डन मीन के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो बीच वाली चीज है. ना तो रैशनेस होना चाहिए लाइफ में, ना ही किसी से डर के रहना चाहिए. करेज इज द राइट वे. कहते जिंदगी जीनी है तो गोल्डन मीन के हिसाब से जी लीजिए. ये नहीं है कि बहुत सारे पैसे खर्च कर दीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन स्टिंगिंगनेस, कि बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च करना है. तो गोल्डन मीन को जब आप अडॉप्ट करेंगे यू विल बी एबल टू लीड अ गुड लाइफ. और सबसे इंपॉर्टेंट अरिस्टोटल कहते क्या है, जैसे सोक्रेट्स ने कहा है कि अगर आदमी के पास नॉलेज है तो जो भी कुछ करेगा सही करेगा, अगर वो सही नहीं कर रहा तो उसका मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है. अरिस्टोटल क्या कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक इंडिविजुअल है अगर उसमें अच्छी क्वालिटीज हैं, लाइक टेम्परेंस है, करेज है, जस्टिस है, विजडम है, ये चीजें, टेम्परेंस, करेज, जस्टिस, विजडम, अगर ये सब क्वालिटीज हैं उसमें एक इंडिविजुअल में, तो जो भी वो एक्शन करेगा दैट एक्शन विल बी गुड, बहुत अच्छा एक्शन होगा उसका, दैट एक्शन विल बी मॉरल. तो वो ये नहीं कहते कि आपको जज करना चाहिए. अभी एजेंट एक्शन थ्योरी में इस क्लास में हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट कर रहे हैं, दैट इज एजेंट कंपोनेंट. अरिस्टोटल ने एजेंट के ऊपर फोकस किया, करता क्या है वो जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल. अरिस्टोटल कहते हैं सिर्फ एजेंट के ऊपर फोकस करो कि एजेंट में सही क्वालिटीज हैं कि नहीं है. अगर एजेंट में सही क्वालिटीज हैं, वट एवर एक्शन ही विल बी परफॉर्मिंग, वट एवर एक्शन ही विल बी डूइंग, इट विल बी द राइट एक्शन, एंड एक्शन ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा. सिर्फ ये क्वालिटीज डेवलप कर लीजिए और गोल्डन मीन को अडॉप्ट कर लीजिए. और ये क्वालिटीज क्या, दीज आर वर्चू एथिक्स, सही एथिक्स हैं ये वाले, गुड एथिक्स हैं.
सो अडॉप्ट गुड एथिक्स, टेम्परेंस, करेज, जस्टिस, विजडम. अभी करेज का क्या मतलब होता है? करेज का ये मतलब है कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो आपने उस अत्याचार को सहना नहीं है, आपने उसका डट के मुकाबला करना है. यू शुड बी स्ट्राइविंग फॉर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ट्रू. टेम्परेंस का क्या मतलब है? धैर्य रखना है आपने. यू शुड हैव द राइट टेम्परामेंट, गुस्सा नहीं होना है आपने, परसीवरेंस होना चाहिए आपने. और जस्टिस के ऊपर ये सब वैल्यूज हैं जिसके ऊपर वो फोकस करते हैं. कहते हैं ये सब फोकस करोगे यू विल अडॉप्ट यूडेमोनिया, द हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पीनेस. और अरिस्टोटल ने कंसेप्ट दिया समम बोनम का. व्हाट इज द समम बोनम? कहते हैं हम बहुत जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, हम पैसा, हम पढ़ते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हम इस पूरे रास्ते में क्या चीज ढूंढते रहते हैं? हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस हमें मिलता कब है? पैसा कमाने से नहीं मिलता है. हमें हैप्पीनेस तब मिलता है जब हम दूसरे लोगों की केयर करना शुरू करते हैं. तो ये सारा रास्ता जो हम चूज करते जाते हैं तो रास्ते हमारे लंबे हो जाते हैं, बट हम अपने गोल के ऊपर नहीं पहुंच पाते. तो अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस है एज पर वेस्टर्न फिलोसफर्स, एंशियंट थिंकर्स. तो कोई गलत कर रहा है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस कर रहा है. प्लेटो कहते हैं तीन पार्ट है, इनके ऊपर कंट्रोल रखिए, यू विल बी एबल टू डू जस्टिस टू योर लाइफ एंड जस्टिस टू एवरीवन. तो ये सब है इस क्लास में. किसी को कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे सेल नंबर पे. और प्लस यू कैन ऑल्सो ट्राई टू राइट आंसर्स ऑन एथिक्स. आंसर लिखना बहुत जरूरी है, विदाउट आंसर राइटिंग सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है. सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे.